हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा ये करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप दो दिन एक तरीके से रिलैक्सेशन आप लेकर आए हैं बेटा, रिलैक्स करके आप लोग आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का माइंड और बॉडी दोनों बिल्कुल बढ़िया करके फ्रेश एंड रिलैक्स हो गए होंगे। अब आप मेहनत करके बेटा पढ़ें, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, और इस तरीके से आपको कंसेप्ट्स को पढ़ना है कि अगर उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम कभी भी बन जाए तो आपका क्वेश्चन ना गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब हमें फिजिक्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़नी है कि यार हमारे स्कूल एग्ज़ाम में आ रही है तो हम फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए फिजिक्स पढ़ लेते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं, काम बन जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, जितना आप कॉन्सेप्ट्स को गहराई से पढ़ेंगे उतना फिजिक्स को एंजॉय कर पाएंगे, डीपली एंजॉय कर पाएंगे। और फिजिक्स को सिर्फ डीपली एंजॉय करके ही पढ़ा जा सकता है, आप फॉर्मेलिटी के तौर पे कभी नहीं पढ़ सकते हैं। जितने भी हमारे बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिन्हें आगे चलकर नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है, उनके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बेटा। 11th क्लास से ही आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। और किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, जब आप उसे जितना ज़्यादा समय देते हैं, जितना ज़्यादा आप उसे टाइम देंगे, जितना ज़्यादा आप उससे प्यार करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसके अंदर। तो कोशिश करें कि 11th से ही फिजिक्स को आपको एक सफिशेंट टाइम देना है, सभी कंसेप्ट्स को बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है कि उसका क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंसेप्ट में आप लोगों की खामी है, उस कमी को आपको दूर करना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो अब हम करते हैं बेटा अपनी क्लास स्टार्ट। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के तरीके बताए थे, राउंडिंग ऑफ क्या होता है मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई राउंडिंग ऑफ क्या है, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम राउंडिंग ऑफ का कैसे यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में हम राउंडिंग ऑफ का कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई बेटा। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को बताए, उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा इसी के ऊपर बेस्ड हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम आप लोग खुद से बनाएं, और जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे एज अ डाउट पूछें। अब इस हफ्ते से आप लोगों का जो शेड्यूल रहेगा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। आपका शेड्यूल ये रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर आपके पास में वीडियो लेक्चर आएंगे बेटा, मंडे टू सैटरडे आपके पास में रेगुलर बेसिस पर वीडियो लेक्चर आएंगे। सैटरडे में आपकी दो क्लास होंगी, एक तो आपके पास में लेक्चर आएगा ही वीडियोस के ऑप्शन में, दूसरा आपकी लाइव क्लास होगी। जो आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं वो आप सीधा मुझे डायरेक्ट कॉल करिए और अपने छोटे मोटे डाउट्स को आप क्लियर करिए। डायरेक्ट मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे टेक्स्ट करिए, मैं सीधा आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा बेटा। और जो आपके बड़े डाउट हैं सैटरडे में हम लोगों की जो डाउट क्लास होगी वो बड़े डाउट हम उस सैटरडे की क्लास में क्लियर करेंगे, ओके। और संडे एज यूजुअल आप लोगों का टेस्ट होगा। कोई भी परेशानी आप लोगों को रहती है यार, देखो ऑनलाइन में ना मतलब थोड़ा सा कॉपरेशन मुझे आप लोगों की तरफ से भी चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश करिए, चीज़ों को ध्यान से समझिए। जितना आप कॉपरेट करेंगे उतना बेहतर तरीके से हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी और हम अच्छे तरीके से फिजिक्स को सीख पाएंगे। हमारा यहाँ जो मेन मोटिव है, जो मेन टारगेट है, वो फिजिक्स को रटना बिल्कुल नहीं है, ना ही अपने सिलेबस को कवर करना है। हमारा मेन मोटिव और मेन टारगेट है फिजिक्स को सीखना है हम लोगों को, और फिजिक्स को ऐसे सीखना है कि जितने कॉन्सेप्ट्स, जितने क्वेश्चंस, जितने तरीके आप लोगों को बताए जाएं वो आपको पता चले। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी फिनोमेना होते हुए देखें ना बेटा, तो उस पर आप फिजिक्स अप्लाई कर सकें, ऐसे हम लोगों को फिजिक्स को सीखना है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 48 यहाँ तक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54, ठीक है। ये 54 तक आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट, राउंडिंग ऑफ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी चाहिए, आप आराम से सभी कंसेप्ट्स को कर पाएंगे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा एक नया टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, जिसमें इन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ होना है, ठीक है। चलिए, एक टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है, उसके ऊपर काम मैं आपको दे चुका हूँ, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा नया टॉपिक। बेटे नए टॉपिक का नाम है हमारे पास में, एरर्स। आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, नए टॉपिक का नाम है एरर्स। नया टॉपिक है बेटा हमारे पास में एरर्स। हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स के बारे में और जानेंगे कि एरर्स क्या होता है, कितने टाइप्स की एरर्स होती हैं, किस तरीके से हम एरर्स के साथ में डील करेंगे, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि एरर्स क्या है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहला टॉपिक सिग्निफिकेंट के बाद में है एरर्स, ओके। देखिए बेटा एरर्स क्या होती हैं, पहले मैं आपको एरर के बेसिक टाइप बताता हूँ, बेसिक टाइप क्या है, ठीक है। देखिए हमारे पास में दो वैल्यूज होती हैं बेटा, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू, एक को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और दूसरे को हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। एक को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू और दूसरे को हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम डिनोट करते हैं टी डॉट वी से और मेजर्ड वैल्यू को हम डिनोट करते हैं एम डॉट वी से। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे कि मेरे पास में एक रॉड है, ये रही रॉड, रॉड की नेमिंग हमने कर रखी है, रॉड का नाम है ए बी, समझ रहे हो बेटा। रॉड की जो लंबाई है हमारे पास में वो है 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर, ये रॉड के ऊपर लिखा हुआ है, यानी जिस शॉप से हम रॉड को खरीदने के लिए गए हैं उस शॉपकीपर से, उस शॉपकीपर ने हमें ये कहा है कि भैया ऐसा है रॉड की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है, रॉड की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, शॉपकीपर ने हमें ये बताया। हमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, हमने कहा यार शॉपकीपर है सही ही बता रहा होगा, इसीलिए हम इसी वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। रॉड के ऊपर जो लिखा हुआ है और जो शॉपकीपर ने हमें बताया है उस वैल्यू को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम घर पहुँचे, हमारे पिताजी या हमारी माताजी ने कहा कि भाई ये तो 100 सेंटीमीटर लंबी रॉड नहीं है, ये तो रॉड की लंबाई क्या तो बड़ी है या छोटी है, चलो हम माप के देखते हैं एक बार। जब हमने इस रॉड की लंबाई को मेज़र करके देखा, माप कर देखा, मापने के बाद आफ्टर मेज़रमेंट, मेज़र करने के बाद इसकी लंबाई निकलती है 98 सेंटीमीटर। शॉपकीपर ने भैया चूना लगा दिया हम लोगों को, शॉपकीपर ने रॉड हमें ये कहकर बेची है कि रॉड की लंबाई है 100 सेंटीमीटर, लेकिन घर पे आकर जब हमने माप के देखी तो पता चला 98 सेंटीमीटर है। सो दिस इज ट्रू वैल्यू, ये बेटा हमारी कहलाएगी ट्रू वैल्यू, इसे हम नाम देंगे ट्रू वैल्यू, और ये हमारी कहलाएगी मेजर्ड वैल्यू, जो हमने मापने के बाद निकाली है वो हमारी कहलाएगी मेजर्ड वैल्यू। एंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। शॉपकीपर से गलती हो गई है, शॉपकीपर ने एरर कर दी है, क्या एरर करी है शॉपकीपर ने, 2 सेंटीमीटर की एरर कर दी है। कैसे शॉपकीपर ने 2 सेंटीमीटर की एरर कैसे की है, शॉपकीपर ने हमें बताया 100 सेंटीमीटर लेकिन निकली वो 98 सेंटीमीटर, यानी हमें तो नुकसान हो गया यार, हमें 2 सेंटीमीटर का नुकसान हो गया। वो जो नुकसान हम लोगों को हुआ है, वो जो लॉस हम लोगों को हुआ है, वो जो एरर शॉपकीपर ने की है, बस वही हमारी एरर कहलाएगी। तो एरर पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है एरर की फील आना, जब तक आपको एरर की फील नहीं आएगी ना कि यार एरर होता क्या है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू क्या क्या होती है, कैसे हम ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करके एरर निकालेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए।
तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया बेटा कि ट्रू वैल्यू क्या है, व्हाट इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू है क्या यार, ट्रू वैल्यू है द रेटेड वैल्यू ऑन द पर्टिकुलर डिवाइस कॉल्ड ट्रू वैल्यू। किसी भी डिवाइस के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो ट्रू वैल्यू कहलाएगी, और मापने के बाद, मेजर्ड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी। तो बेटा ये तो हो गई हमारे पास में ट्रू वैल्यू, ये हो गई हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस हमारा कहलाता है एरर। इसी को हम एरर का नाम देते हैं। ये तो मैंने बड़ा बेसिक है, मैंने सिर्फ इसीलिए आपको बताया है कि आपको फील आ जाए एरर के बारे में कि एरर एक्चुअल में होता क्या है। अब ये ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, एरर की बेसिक डेफिनेशन, अभी इनके बारे में हम और बात नहीं करेंगे, इनके बारे में हम बाकी बात थोड़ा सा लेट करेंगे। अभी हम करते हैं मेन मुद्दे की बात कि एरर कैसे निकाली जाएगी, एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और एरर फाइंड आउट कैसे की जाती है। तो मेरी राय यह है कि अभी आप इसके बारे में ना लिखें, आपको सिर्फ फील दिलाने के लिए मैंने ये सारी बातें बताई है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दोबारा से एरर पर। तो बेटा एरर का टॉपिक ये रहा हमारे पास में एरर्स, ठीक है। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ एरर। एरर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ एरर, या हम इसे दूसरा नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एरर। हम इसे दो नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक हमारा कहलाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ एरर और एक हमारा कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एरर। अब कैसे, नंबर वन, भाई बेटा मान लो कि हमारे पास में ये एक स्टिक है, ये रही स्टिक, ठीक है, ये स्टिक है हमारे पास में। अब हुआ क्या, मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट है, ठीक है, चिंटू, मिंटू, पिंटू, दो और पूजा और नंदा, मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है मेरी क्लास में। मैंने पांचों बच्चों से कहा कि भैया बारी बारी से जाइए, रॉड की लंबाई को मापिए और मापने के बाद जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो इसके नीचे लिख दीजिए। सबसे पहले चिंटू साहब गए, चिंटू भैया ने अपनी लंबाई को मापा और यहाँ लिख दी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मिंटू बाबू गए, उन्होंने वैल्यू यहाँ लिख दी x2, रॉड की लंबाई को मापा और मापने के बाद जो भी वैल्यू निकल कर आई होगी वो यहाँ लिख दी। फिर नेक्स्ट x3, फिर नेक्स्ट x4 और फिर नेक्स्ट x5। चूँकि मेरे पास में 5 ही स्टूडेंट थे और पांचों स्टूडेंट गए, उन्होंने लंबाई को मापा, मेज़र किया और मेज़र करके जो भी वैल्यू निकल कर आई उसे यहाँ लिख दिया। ये सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर वन। उसके बाद देखिए बेटा क्या हुआ, स्टेप नंबर वन के बाद जो सबसे पहली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो है मीन वैल्यू, जो ये पांचों स्टूडेंट ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं ना, इन सब की एक मीन वैल्यू हमें निकालनी है। उस मीन वैल्यू को हम कहेंगे एक्स एम। आप एक काम करिए, इन सभी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दीजिए, इन सभी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद कितने स्टूडेंट थे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। 5 स्टूडेंट थे तो 5 से डिवाइड कर दिया, जितने स्टूडेंट होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारी निकल जाएगी मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बेटा हमारे निकलेगी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, एब्सोल्यूट एरर बिल्कुल ध्यान दें आप लोग अच्छे से, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी। आपको एक काम करना है, मीन वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है, हमेशा मीन वैल्यू में से हमने फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया और माइनस करके मॉड लगा दिया यहाँ पर। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि अगर माइनस करके वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाए,
हमें नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लेनी है, आप जानते हैं। इसे बोलते हैं मॉड, और ये मॉड एक ऐसी मशीन है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। उसके बाद हमने मीन वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस किया, उसके बाद हमने मीन वैल्यू में से तीसरी वैल्यू को माइनस किया, उसके बाद हमने मीन वैल्यू में से चौथी वैल्यू को माइनस किया, और उसके बाद हमने मीन वैल्यू में से पांचवी वैल्यू को माइनस किया। बेटा ये निकल कर आया हमारे पास में डेल्टा एक्स वन, ये निकल कर आया डेल्टा एक्स टू, ये निकल कर आया डेल्टा एक्स थ्री, ये निकल कर आया डेल्टा एक्स फोर, और ये निकल कर आया डेल्टा एक्स फाइव। ये जो डेल्टा आपको दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एरर को, और इसका पूरा मतलब है एरर इन एक्स फाइव। सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखे हैं उन्हीं उन सभी ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उनसे आप डिवाइड कर दीजिए। मेरे पास में यहाँ पांच ही स्टूडेंट थे तो मैंने पांच से ही डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है। ये निकल गई मेरी मीन वैल्यू, मैंने मीन वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया और मॉड में बंद कर दिया, फिर दूसरी वैल्यू को माइनस किया फिर मॉड में बंद किया, फिर तीसरी वैल्यू को माइनस किया फिर मॉड में बंद किया, फिर चौथी वैल्यू को माइनस किया फिर मॉड में बंद किया। तो ये जो पूरा डेटा मेरा निकल कर आया है ना बेटा, ये पूरा जो डेटा मेरा निकल कर आया है, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, डेल्टा एक्स फोर और डेल्टा एक्स फाइव, ये पूरा डेटा ही मेरा कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। ये सारी जो एरर्स निकल कर आई हैं यही हमारी एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी बात। ये निकल गई बेटा हमारी एब्सोल्यूट एरर। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अब इसके बाद आपने लिख लिया होगा, हम बढ़ते हैं आगे। और देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। वेरी इजी, कुछ नहीं करना है। जस्ट इससे पहले हमने क्या निकाली है, जस्ट इससे पहले हमने निकाली है एब्सोल्यूट एरर। आप एक काम करिए, सभी एब्सोल्यूट एरर को आप ऐड कर दीजिए। जो अभी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है ना बेटा, उन सभी एब्सोल्यूट एरर्स को आप आपस में ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारी बन जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स एम। इस डेल्टा एक्स एम को ही हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये डेल्टा एक्स एम ही हमारा कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। वेरी इजी, बहुत आसान। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, इसमें भी कोई बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है। कैसे? पहले तो आप ये जाने कि रिलेटिव एरर को हम ऐसे दिखाएंगे, और रिलेटिव एरर निकालने के लिए डेल्टा एक्स एम, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है ना बेटा, इस मीन एब्सोल्यूट एरर को इस मीन वैल्यू से डिवाइड करना है आपको। देखिए ध्यान से, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करना है। जैसे ही मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगी आपकी रिलेटिव एरर। एंड फाइनली लास्ट बेटा, लास्ट है हमारे पास में परसेंटेज एरर। फाइनली लास्ट में है हमारे पास में परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी? रिलेटिव एरर की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जो भी हमारे पास में रिलेटिव एरर है ना बेटा, क्या है रिलेटिव एरर अपने पास में? डेल्टा एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स एम मल्टीप्लाई बाय 100।
ये निकल गई हमारी परसेंटेज एरर। ठीक है, अच्छे तरीके से आप एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हो उन सबके एक मीन वैल्यू निकाल दो, फिर मीन वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करो और मॉड लगाओ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, जितनी भी हो उसी हिसाब से उनमें से माइनस करते चले जाओ। ये आपकी बन जाएंगी एब्सोल्यूट एरर। सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो, ये बन जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करो, ये बन जाएगी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई 100 से करो, ये बन जाएगी परसेंटेज एरर। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल बताने स्टार्ट करते हैं बेटा। आप वीडियो को पॉज करिए और अब हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। नंबर वन एग्जाम्पल है हमारे पास में ये, देखो बेटा हमारे पास में है एक रॉड, रॉड का नाम है ए बी। फर्स्ट स्टूडेंट आए और उन्होंने रॉड की लंबाई को मेज़र किया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि रोहन ने रॉड की लंबाई मेज़र की है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट है अदिति, अदिति ने मेज़र की है 4.9 सेंटीमीटर। उसके बाद में है 5.1 सेंटीमीटर परी, परी ने मेज़र की है 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ओनली 3 स्टूडेंट हैं हमारे पास में, बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 बच्चे हैं एक क्लासरूम के अंदर, तीनों ने अपनी अपनी रीडिंग ले ली। सबसे पहले रोहन 5 सेंटीमीटर, देन अदिति 4.9 सेंटीमीटर, देन परी 5.1 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? हमें बताना है मीन वैल्यू, हमें बतानी है एब्सोल्यूट एरर, हमें बतानी है रिलेटिव एरर, हमें बतानी है मीन एब्सोल्यूट एरर, हमें बतानी है परसेंटेज एरर। यानी जितनी भी एरर हम बता सकते हैं वो सारी एरर हम लोगों को यहाँ बतानी है। तो बेटा सबसे पहला काम जो हमारा होगा यहाँ पर वो होगा मीन वैल्यू निकालने का। सबसे पहला काम हम सबसे पहले निकालेंगे मीन वैल्यू। बेटा कैसे निकाली जाएगी मीन वैल्यू? सभी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करो, 5 + 4.9 + 5.1 और डिवाइडेड बाय 3। क्यों 3 से डिवाइड किया? क्योंकि 3 ही ऑब्जर्वर हैं हमारे पास में, 3 ही बच्चों ने रीडिंग निकाली है, तो इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया। डिवाइड करके बन गया हमारे पास में 5.0 सेंटीमीटर। देखो तीनों को ऐड करो आएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब नंबर 2 पर हमें चाहिए एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकलेगी एब्सोल्यूट एरर? मीन वैल्यू निकल कर आई है 5, इस मीन वैल्यू में से फर्स्ट रीडिंग को माइनस करो। जो ये मीन वैल्यू आपकी निकल कर आई है ना बेटा, इस वैल्यू में से रोहन की रीडिंग को माइनस करो, 5 में से 5 को माइनस करोगे 0। उसके बाद सेकेंड डेल्टा x2, 5 में से 4.9 को माइनस करो, 0.1। चाहे माइनस में आए या प्लस में आए, लेना आपको हमेशा प्लस में ही है क्योंकि मॉड होता है इसके अंदर। अब 5 में से माइनस करो 5.1 को। देखो 5 में से 5.1 को माइनस करोगे तो 0.1 आएगा, वो भी माइनस में, लेकिन माइनस में तो हमें कभी लेना ही नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 0.1 सेंटीमीटर। सो वी हैव डेल्टा x1 0, डेल्टा x2 0.1, डेल्टा x3 0.3। दीज एरर्स आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। बेटा इन एरर को हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने निकाला मीन वैल्यू, सेकंड हमने निकाली एब्सोल्यूट एरर। अब आते हैं हम नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर? बहुत आसान है, जो आपने ये एब्सोल्यूट एरर निकाली है ना, इन्हें ऐड करिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। हमने क्या निकाली है एब्सोल्यूट एरर? डेल्टा x1, डेल्टा x2, इसे डेल्टा बोलते हैं बेटा, ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ट्राइंगल जैसा है ना, इसे डेल्टा बोलते हैं और ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। 3 से डिवाइड किया, डेल्टा x1 कितना है हमारे पास में? 0।
डेल्टा एक्स टू कितना है 0.1, डेल्टा एक्स थ्री 0.1 डिवाइडेड बाय 3, ये बन गया हमारे पास में 0.2 डिवाइडेड बाय 3, ये बन गया हमारे पास में 2/30 यानी 1/15। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा ये हो गई हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नंबर 4 पर हमें निकालनी है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलती है? मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ये जो अभी हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है ना बेटा, इसे हम मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर निकलेगी। अब बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है आपके पास में, 1/15, और मीन वैल्यू कितनी है 5, ये आ गया हमारे पास में 1/75, ये बन गई रिलेटिव एरर। और फाइनली हम लोग निकालते हैं परसेंटेज एरर। फाइनली हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा परसेंटेज एरर। कैसे निकलेगी परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर निकलेगी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। देखो रिलेटिव एरर कितनी आई हमारे पास में, 1/75 मल्टीप्लाई बाय 100। लो बेटा ये निकल गई हमारी परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले मीन वैल्यू, देन एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, और फाइनली परसेंटेज एरर। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया बेटा इसके ऊपर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी बात। मैं एक और एग्जाम्पल आपको इसके ऊपर बताऊंगा, फिर हम एक एग्जाम्पल थ्योरिटिकल करेंगे इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करिए। मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो बिल्कुल सफिशेंट और बिल्कुल इनफ है किसी भी स्टैंडर्ड तक, किसी भी लेवल तक। चाहे आपका बिल्कुल जीरो लेवल हो, आपका स्कूल एग्ज़ाम हो, आपका नीट एग्ज़ाम हो यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम हो या एडवांस का एग्ज़ाम हो, सब कुछ हर एक टॉपिक बहुत प्यारे तरीके से कवर होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से कवर होगा। तो बिल्कुल चिंता ना करते हुए आप लोग पढ़ते रहें और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करते रहें। जल्दी से नोट करिए, ओके बेटा। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। देखो बेटा ये है मेरे पास में एक बॉक्स, ठीक है, और इस बार हमारे पास में 5 स्टूडेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट ने बॉक्स के वेट को मेज़र किया और ये निकल कर आया 2 kg। सेकंड स्टूडेंट ने बॉक्स के वेट को मेज़र किया और ये निकल कर आया 1.7 kg। थर्ड स्टूडेंट ने बॉक्स के मास को मेज़र किया और ये निकल कर आया 2.1 kg। नेक्स्ट स्टूडेंट ने बॉक्स के वेट को मेज़र किया और ये निकल कर आया 2.3 kg। नेक्स्ट स्टूडेंट ने बॉक्स के वेट को मेज़र किया और ये निकल कर आया 1.9 kg। लो बेटा 5 स्टूडेंट है हमारे पास में। पांचों बच्चों ने बारी बारी से आकर बॉक्स के वेट को मापा, उसके मास को मेज़र किया और अपने रीडिंग को यहाँ लिख दिया बोर्ड पर और वो चले गए। अब हमें बताना है कि मीन वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर क्या होगी एंड परसेंटेज एरर क्या होगी। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन वैल्यू। कैसे? सभी को ऐड कर दो, 2+1.7 +2.1 +1.9 +2.3 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वर है 5, तो 5 से हमने डिवाइड किया। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 10 और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.0 kg। बेटा ये निकल गई हमारे पास में मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू को हम डिनोट करते हैं XM से। मीन वैल्यू को हम डिनोट करेंगे XM से। ये हमारी मीन वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा X1 निकालते हैं, डेल्टा X1 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0। फिर हम निकालते हैं डेल्टा X2 2 -1.7 0.3 kg।
फिर हम निकालते हैं डेल्टा एक्स थ्री, टू माइनस के 2.1, जब 2 में से 2.1 को माइनस करोगे तो आएगा तो माइनस में, लेकिन आप जानते हैं कि माइनस में तो हमें लेना ही नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे प्लस 0.1 kg। नेक्स्ट डेल्टा x4, 2 में से इसे माइनस करोगे, ये भी बेटा प्लस में ही लिखा जाएगा। और फाइनली डेल्टा x5, 0.1 kg। ठीक है बेटा, मीन वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया, फिर मीन वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को, फिर मीन वैल्यू में से थर्ड को, फिर मीन में से फोर्थ को, फिर मीन में से फाइव को। ठीक है, तो ये निकल गई हमारी एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालेंगे बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये तो एब्सोल्यूट है और ये एम लगने से बन गई मीन एब्सोल्यूट। इन सबको ऐड करो और फाइव से डिवाइड करो, जीरो प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.1 एंड डिवाइडेड बाय 5। 0.3 और 0.3, 0.6, 0.1 और 0.1, 0.2 मींस 0.8 डिवाइडेड बाय 5 यानी 8/50, और 8/50 आ जाएगा हमारे पास में 4/25। ये निकल गई बेटा हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर, देखिए जरा ध्यान से। रिलेटिव एरर निकालने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है आपके पास में, 4/25, और मीन वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हो गया 4/25 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे ये कैंसिल आउट, ये बन गया हमारे पास में 2/25। बेटा फाइनली हम लोग निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर देखो कितनी आएगी हमारे पास में, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। रिलेटिव एरर है 2/25 और मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ये कैंसिल आउट 4 एंड द आंसर इज 8%। रिलेटिव एरर है 8%, सॉरी परसेंटेज एरर है 8%, रिलेटिव एरर है 2/25, मीन एब्सोल्यूट एरर है 4/25। एब्सोल्यूट एरर बहुत सारी हैं, 5 एब्सोल्यूट एरर हैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब है इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्या एरर है, इंडिविजुअल स्टूडेंट की एरर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, और सबकी जो एक कंबाइन एरर होती है उसे हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और यह है हमारी मीन वैल्यू। ये हो गए बेटा हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2। होप सो कि आपको बात समझ आई हो और कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक ना हो। आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम बचेगा बेटा। ठीक है, और टाइम ही तो इम्पॉर्टेंट है यार हमारे लिए। अब हम बनाएंगे प्रॉब्लम वो जो हमें इसके ऊपर दे रखी है। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाएगी। यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट पर। ये क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जरूर आ रखा होगा। अब आप देखो एक बार प्रॉब्लम की लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से आप प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़ो और देखो आपको क्या दे रखा है बेटा। हमें कहा गया है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज, यानी फर्स्ट स्टूडेंट ने जो डेटा रिकॉर्ड किया वो ये है। सिंपल पेंडुलम जो होता है ना बेटा, वो एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेता है, ऐसे स्टूडेंट उसके डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहले स्टूडेंट ने इतना डेटा रिकॉर्ड किया, सेकंड ने इतना किया, थर्ड ने इतना किया, फोर्थ ने इतना किया, फिफ्थ ने इतना किया। पाँच ही स्टूडेंट है और पाँच स्टूडेंट के डेटा हमें यहाँ दे रखे हैं। तो हमें बताना है एवरेज एब्सोल्यूट एरर।
बेटा एवरेज का जो दूसरा नाम होता है वो है मीन, यानी आपको बताना है कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। अब यार मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले निकालते हैं मीन वैल्यू। कैसे निकलेगी बेटा मीन वैल्यू? मीन वैल्यू निकलेगी पांचों स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन को ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड करो, ठीक है। चलिए 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, ये पांच स्टूडेंट का डेटा है बेटा। हमने पांचों को ऐड किया और 5 से डिवाइड किया, पांच ही स्टूडेंट है तो सबके डेटा को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी मीन वैल्यू निकल गई 2.62। दिस इज़ द मीन वैल्यू, ये हमारी मीन वैल्यू निकल गई बेटा। अब हमें निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। चलिए निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1। ये जो मीन वैल्यू निकल कर आई है ना, इसमें से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करो, और माइनस करके चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, लेना आपको पॉजिटिव ही है। जब इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो ये आएगा 0.01। फिर डेल्टा x2 निकालते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं, ये निकल कर आएगा 0.06। फिर निकालते हैं डेल्टा x3, इसमें से इसे माइनस करते हैं, ये निकल कर आएगा 0.20। फिर निकालते हैं डेल्टा x4। बेटा डेल्टा x4 कैसे निकलेगा? इसमें से फोर्थ वैल्यू को माइनस करते हैं, ये निकल कर आएगा हमारे पास में 0.09। एंड फाइनली डेल्टा x5 कैसे? इसमें से उस वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये आएगा भैया हमारे पास में निकल कर 0.18। ये पूरा डेटा आएगा बेटा अपने पास में, एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो रखी हो कैलकुलेशन में, कई बार कैलकुलेशन में जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। तो हमने सबसे पहले निकाल दी है मीन वैल्यू, उसके बाद हमने ये सभी निकाल दी हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर। दीज आर एब्सोल्यूट एरर मींस इंडिविजुअल एरर इन ईच स्टूडेंट डेटा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट के डेटा में इतनी एरर आएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर। अब कैसे निकलेगी भाई मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगी, ये जो सभी एरर्स आपने निकाली हैं इन सबको ऐड करिए और ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। करिए ऐड 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 एंड डिवाइडेड बाय 5। लो बेटा ये निकल गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, और जो भी यहाँ से आंसर निकल कर आएगा इन चारों ऑप्शन से आप मैच कर लेंगे, वही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE के एग्ज़ाम में बेटा पूछा गया है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन का काम है और सही डायरेक्शन में आप लोगों से क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बड़े आराम से बड़े प्यार से आप प्रॉब्लम को बना देंगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि एरर का मतलब आप समझ चुके होंगे। एरर की फील दिलाने के लिए मैंने आपको बताया कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, जो बॉडी पर लिखी होती है रेटेड वैल्यू। मान लो मार्केट से आप कोई भी पैकेट सामान का खरीदने के लिए गए तो उस पैकेट पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो ट्रू वैल्यू है। आपने घर आकर उस सामान को मेज़र करके देखा, माप के देखा, तो जो वैल्यू मापने के बाद निकलेगी वो मेज़र्ड वैल्यू है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा एरर है। अभी मैंने एरर की थियोरटिकल बात नहीं की है कि एरर आती कैसे है, अभी मैंने सिर्फ बात की है एरर की न्यूमेरिकल एनालिसिस की, यानी मीन वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है। तीन क्वेश्चन मैंने आपको उसके ऊपर बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में ज़रूर आई होगी। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है बेटा? आते ही सबसे पहले मैंने 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे जो हमारे सिग्निफिकेंट, राउंडिंग ऑफ, परसेंटेज एरर वगैरह के ऊपर बेस्ड थे, वो आपको करने हैं।
ये जो तीन क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं अभी, ये आप लोगों को रिपीट करने हैं बेटा, दोबारा से आपको अपनी कॉपी में रिपीट करने हैं। और एक दो प्रॉब्लम मैं और आपको दे रहा हूं जो आप लोगों को करनी है सॉल्व। चलिए मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं बेटा, ये आपका होमवर्क है, दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको सॉल्व करनी है। ये हमारे पास में एक रॉड है, रॉड की लंबाई है ए बी। फर्स्ट स्टूडेंट ने डेटा मेजर किया 1 सेंटीमीटर, सेकंड ने 0.7, थर्ड ने 0.6, नेक्स्ट ने 1.3, नेक्स्ट ने 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि परसेंटेज एरर कितनी होगी बेटा, आपको बताना है कि परसेंटेज एरर कितनी होगी। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर मुझे सेंड करेंगे, परसेंटेज एरर कितनी होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क का ये है कि एक बॉक्स है आपके पास में कुछ इस तरीके से, बॉक्स का वेट हमने मेज़र किया 10 kg, 10.1 kg, ध्यान से बेटा, एंड 9.9 kg। ठीक है, सिर्फ तीन स्टूडेंट है, तीनों ने ये मेज़र किया। आपको बताना है कि रिलेटिव एरर कितनी होने वाली है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर। तो दो क्वेश्चन तो बेटा आपके ये हो गए हैं, तीन क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वही आपको रिपीट करने हैं, और चार पांच क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले आते ही दिए थे वो आपको सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा मैंने आपको आज एरर के बारे में बताया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, अब आप लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए बेटा जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी फ़ीस सबमिट कराएं। कल से आप लोगों की क्लास, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी फ़ीस सबमिट नहीं कराई है, इनएक्टिव कर दी जाएगी। उससे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन और अपनी फ़ीस सबमिट कराएं स्टूडेंट, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।